हम लंच करके अभी आबाद वायनाड प्रॉपर्टी को देखने जा रहे हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये रास्ता है, पत्थरों वाला रास्ता है। उसके बाद हम एक और प्रॉपर्टी देखेंगे और फिर आएंगे। वी हैव एंटर्ड आबाद ब्रुकसाइड लाकिडी वायनाड। सो दिस इज द प्रॉपर्टी। ये इनका रिसेप्शन एरिया है। सो रिसेप्शन एरिया, opened our own company. Now we had come for KTM. अब हम एक रूम देखने जा रहे हैं। दिस इज 102। बाथरूम है, काफी स्पेशियस है, ह्यूज। आप देख सकते हैं स्टूडेंट द्वारा कंसेप्ट के लिए शावर है। ये बेडरूम है। सो आप देख सकते हैं इट्स अ वेरी बिग रूम। यहाँ पे रूम के साथ एक बालकनी भी है। दिस इज द बालकनी एरिया। This is the sit out area, balcony, and this is the view from the balcony. ये रूम है, आप दोबारा से देख सकते हैं। It's very spacious. कैटेगरी हमने अभी देखी थी, that is garden cottages, and there are 18 garden cottages here. अब हम now what we are seeing next? 18. Garden cottages with balcony. 12 garden cottages are with balcony. And 6 with veranda type. 6 are with veranda type outside area. अब हम एक और room category देखने जा रहे हैं। So once roof what है, but already occupied. All the 12 rooms are occupied. This is the property का layout. And you see there are few cottages which have already been booked for other clients. So we won't be able to see that, but we are going to see some other properties. ये जो category है, ये again वही garden cottages है, ये जिसमें वो veranda है outside. So this is how it looks. Again the room size is huge. Rooms are actually very big. This is the bathroom. इसके पीछे भी कुछ रूम्स हैं सर। दिस एरिया हैज गॉट 6 रूम्स। दैट्स व्हाट द जेंटलमैन हु इज शोइंग अस द प्रॉपर्टी ही हैज टोल्ड अस। आप देखेंगे ये रूम्स थोड़ा नीचे है। आई थिंक दिस
This is a Brookside cottage near the stream, and you can see how it looks. Well, activities यहाँ पे volleyball खेल सकते हैं, volleyball का net लगा हुआ है. एंड आप देखेंगे वहाँ पे कुछ फॉरेन टूरिस्ट हैं जो कि कुछ ट्रैकिंग ट्रेल कर रहे हैं. ये सारे हमारे ही ग्रुप के मेंबर्स हैं. साइड दे हैव सम स्विंग्स. दूसरा इंटरनेशनल क्लाइंट्स का ग्रुप है, वो वॉकिंग ट्रेल कर रहे हैं. वो जो लास्ट में जो आप देख रहे हैं, दैट इज़ अ पूल विला. आई थिंक वी विल आल्सो सी दैट. So this is the Brookside cottage I mentioned from the top, and this is the stream. So the stream view. अब मैं आपको दिखा रहा हूँ private pool villa. This is a sitting area. ये इंटरकनेक्टिंग रूम के लिए दरवाजा था. दिस इज द बेडरूम. अगेन उसके कंपेरेबल ये थोड़ा छोटा बेडरूम साइज है, बट क्योंकि ये विला है इसमें और सिटिंग ये वार्डरोब सेक्शन ड्रेसिंग एरिया. दिस इज द बाथरूम. सो बाथरूम्स ऑफ villa are smaller in size. This is a shower cubicle. Living area. And आप देख सकते हैं इनके पीछे भी एक section है which has a private pool. And ऊपर से covered है पूल के साथ. ये बैठने के लिए देयर आर टू चेयर्स. So this is the pool of the hotel. This is the restaurant of the Park Hotel in Wayanad. हम आबाद वायनाड प्रॉपर्टी देखकर आ गए हैं. होप आपको ये प्रॉपर्टी अच्छी लगी हो. सो प्लीज़ फ्रेंड्स, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपके लिए और भी ऐसे वीडियोस बना सकूं जिसमें आपको मैं होटल्स की विजिट दिखाऊंगा करके कैसी प्रॉपर्टीज़ लगती हैं, और कुछ ट्रैवल डेस्टिनेशंस भी दिखाऊँगा. सो प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू.